पंजाब विधानसभा चोणां विच कुछ समा ही रह गया है। यह चोणां पंजाब विधानसभा दे सारे 117 हलकियां विच होणियां ने। कुछ चिर पहला हलकियां दी मुड़ तों हदबंदी कीती गई, जिस तहत कुछ हलके बिल्कुल खत्म कर दिते गए अते कुछ दा नवा गठन कीता गया। कुछ हलकियां दे इलाकियां नूं दूजे हलकियां विच भी शामिल कीता गया है। चोणां संबंधी प्रोग्राम हलके दा हाल विच साडी कोशिश होवेगी असी तुहानू संबंधित हलके दे सियासी, समाजिक अते जनतक मुद्दियां बारे जाणू कराईए। हलके दे हाल विच अज गल करांगे खन्ने हलके दी, जानने दी कोशिश करांगे इस हलके दे लोकां नू आ रहियां मुश्किलातां नू अते सरकार दे विकास दे दावियां नू। आओ चलदे आं खन्ने हलके विच। लुधियाना जिले दा राखवें तों जनरल होया हलका खन्ना मुड़ सुर्खियां च आ गया। यह हलका पंजाब कांग्रेस के साबका प्रधान शमशेर सिंह दूलो का पक्का हलका समझा जाता सी। पहला यह हलका पूरी तरह पेंडू सी, पर हुण खन्ना शहर नूं भी इस विच शामिल किए जाण कारण इस विच शहरी वोट काफ़ी अहम हो गई है। इस हलके विच खन्ना शहर तों अलावा 67 पिंड शामिल किए गए ने, जिन्हां विच 1,38,400 के करीब वोटा ने। लुधियाना ते दूजे समती शहर मंडी गोविंदगढ़ विचाले कौमी शाह मार्ग के दोवें पासे बसे इस हलके 2007 दी असेंबली चोणों दौरान कांग्रेस ते अकाली भाजपा विचाले सीधी टक्कर हुई सी। कांग्रेस वालों पंजाब च पार्टी के दलित चेहरे अते सीनियर कांग्रेस आगू शमशेर सिंह दूलो नूं चोण मैदान च उतारिया गया सी, पर उह अकाली दल के नौजवान आगू अते बसंत सिंह खालसा के पुत्र बिक्रमजीत सिंह खालसा तो मत खा गए। दूलो नूं इन्हां चोणों दौरान 47,402 वोटां पईआं सन, जबकि बिक्रमजीत सिंह खालसा 49,000 वोटा लै गए सन। दूलो दा उन्हां तों 1598 वोटां नाल हारना इन्हां चोणां दे हैरानीजनक नतीजियां विच्चों इक सी। लोक सभा चोणां दे हिसाब नाल देखिए तां 2007 दे मुकाबले 2009 दीआं चोणां च इत्थों कांग्रेस एक बार फिर जित्ती। यह विधानसभा हलका लोक सभा हलका फतेहगढ़ साहब च पैंदा है, जिथों कांग्रेस के सुखदेव सिंह लिबड़ा ने चरणजीत सिंह अटवाल नूं हराया सी। सुखदेव सिंह लिबड़ा नूं 393,557 वोटां हासिल होईआं सन, जबकि चरणजीत सिंह अटवाल हिस्से 359,258 वोटां आईआं सन। खन्ना हलके सुखदेव सिंह लिबड़ा चरणजीत सिंह अटवाल तों 10,000 के करीब लीड लै गए सन। खन्ना हलके के मौजूदा विधायक बिक्रमजीत सिंह खालसा पंजाब सरकार के राज नहीं सेवा के नारे नूं अमली जामा पहनाउण दे दावे करते हैं, पर डे एंड नाइट न्यूज़ की टीम वालों खन्ना हलके के पिंड ललहेड़ी, बूथगढ़ और रतनगढ़ के पिंडों का दौरा करके विकास कार्यों बारे आम लोगों की राय जानने की कोशिश की गई। इस टाइम मेरे पिंड एक बाजीकर बस्ती है, एक ऐसी कलोनी है, सब पक्की है, जो जिमीदारा के रोड ने वो भी सब पक्के ने, जेडे एक अद्धा रहा वो इस टाइम काम चल रहा। तो सानू हलके के मुख्य पार्लीमानी सकत्र बिक्रमजीत खालसा जी ने चंगी ग्रांट दी है, हूँ भी उन्होंने विश्वास दिता जो माड़ा मोटा रहा वो भी पूरा हो जूगा। विकास तो देखा है भी कलोनिया कट्टी जाते हैं, सीवरेज का सारा कोई सिस्टम है ही नहीं है नहीं जी, तो ना कोई गलियां का सफाई है ना कोई एडी वो है ही नहीं। ढांचा उपर तक हिलया है, ये कला इतने का ही नहीं, खन्ने विकास का नहीं, ढांचा उपर तक हिलया है। ये सड़क हूँ देख लो, सू पता ही है भी कि टुटिया पी हूँ, भादले से चले जाओ सब टुटिया पी। नहीं विधायक साढ़ा कदे इतने आके किसी ने नहीं पूछा सू भी की है की नहीं, कदे कमेटी वाले भी नहीं आए, कमेटी वाले भी कमेटी च आया सड़क पुल तक, कमेटी वाले ने भी जब जित गया तो मुड़ के साढ़े पास नहीं आया। ये साडे पिंड नूं असीं देख के भी सरकार ने बहुत वधिया काम कीते ने, बाकी पिंडां च भी हो रहे ने, हो रहे ने, कुछ हो रहे ने, जानी ये साडे बिक्रम सिंह जी खालसा ने साडी बहुत मदद कीती है, साडे पिंड वास्ते काफ़ी ग्रांट दित्ती है जिहदे नाल इन्हां ने विकास कीता। मीह पैंदा टोया हो जांदा है, मलबा भरना पैंदा है पिंड वाले नूं, कदे पिंड वाले मिट्टी सटाने हैं कि असीं मलबा पवा दिंदे हां। नहीं जी साडे एरिए च तां होया नहीं, होर पासे होया तो कह नहीं सकदे। ठीक है, मैनूं तां इह लग रिहा वी वोटां पा के मुड़ के कोई पुछदा नहीं, अपने अपने कुर्सियां तो बह जाते ने, कोई किसी नूं नहीं पुछदा। नहीं साढ़े इत्थे कोई सहूलत नहीं मिली, आ गली दे बुरी हालत है, यदा ह्यूमन राइट कमीशन के पास असी कंप्लेंट की सी, वह भी डायरेक्शन होगी, कोई असर नहीं होया, अच्छा तो कार्य नील कहेंगे
बहुत बार मिले हैं लेकिन वो दिलचस्पी कोई नहीं इत्थे लै। तुसी देखिया कि खन्ना हल्के दे पेंडू खेतरां दे लोकां दे हल्के विच होए विकास कारजां बारे की विचार ने, आओ हुण एक नज़र शहरी खेतर खन्ना विच वी मार लैने आ। खन्ना शहर दीआं टुट्टीआं सड़कां ते गंदे पाणी दी सही निकासी ना होना आम लोकां दी सब तों वड्डी समस्या लगदी है। लिंक सड़कां दी हालत पिंडां नालों कोई बेहतर नज़र नहीं आई। खन्ना दे शहरी वोटरां तों वी विकास कारजां बारे जाणन दी कोशिश कीती गई। दावेनू की है जी, मैं कही जाना भी मैं बादशाह बन गया, मैंने रोटी तो मिलती नहीं, बादशाह मैं कही जाना। एदा पहला कांग्रेस खा गई, हुण अकाली खा गई, वो तो अज तक इत्थे आया ही नहीं। असी मंडी वाले ने वोटा पवाइया, साढ़े कोल ही कदे आके खड़े। दसो ये गवर्नमेंट का कह दी, तो कुछ भी नहीं, खाण पीण दे अड्डे बना ले। पंजाब गवर्नमेंट से सानू कोई रोसा नहीं, असल जे तुसीं सच पुछदे सानू रोसा सेंटर सरकार ते, जिन्हें साडे जीरियां रुल दियां ने। जिहड़ी जीरी पिछले साल 2700-2800 रुपए तक बिकदी सी, ऐतकी उस जीरी का रेट 1300 रुपये तो 1600 रुपये सिरा। विधायक नूं असीं कई बार मिले हां इत्थे, उन्होंने तकरीबन साडियां सारियां दुख तकलीफां पुछदे रहिंदे ने। बहुत वधिया तरीके नाल उन्होंने तरीके शहर का काम भी करवाया। इह जी गल पहलां 4 साल लंघ गए, पहलां तां कुछ नहीं होया, आही साल दे विच आ के इन्होंने सारा कुछ किया, तनखावां वधाइयां, पुल दा उद्घाटन किया, सड़कां सुड़कां बनाईयां ने जिहड़ियां, पहला 4 साल तक कुछ भी नहीं होया। इन्होंने ताही नेड़े कराया भी कबड्डी कप भी साड़ी होगी प्रशंसा भी लोग साढ़े मगर लगन गए, पहला नहीं कराया है इन्होंने, तो यह वोटा करके कराया भी सानू वोटा पाउणगे लोग। राजनीति पार्टियां ही गल आए भी जो अपना टाइम हुंदा वोटा दोबारा पाउंदा उदों काम हुंदे ने, पहला कोई काम नहीं हो रहा। तो बाकी इन्होंने ना कोई स्टूडेंट नूं कोई प्लैन मिले ने, तो जदों हुण वोटा दोबारा आ रही ने फिर कांग्रेस पार्टी भी अपना जोर ला रही है, अकाली पार्टी भी जोर ला रही है, तो उही गल है जेकर अपना 5 साल दे विच पूरा जोर लाया जाए तो अपने देश का भी गुण बन जाए। खन्ना हल्के के राखवे तो जनरल होने कारण सबका मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पोतरे गुरकीरत सिंह कोटली इस हल्के विच काफ़ी सरगर्म ने। उन्होंने आस है कि इस हल्के तो जनरल होने कारण पार्टी उन्होंने चोन मैदान विच उतार सकती है। लोकसभा हलका आनंदपुर साहब तो MP अते पंजाब यूथ कांग्रेस के प्रधान रवनीत सिंह बिट्टू के बड़े भरा गुरकीरत सिंह कोटली ने इलाके विच जनसंपर्क जोरों से विढ़िया होया अते मौजूदा विधायक वालों किए विकास कार्यों तो वो ज़्यादा प्रभावित नहीं हैं।